जब जब देश धर्म व संस्कृति पर कोई संकट आया है तो हर देवासुर संग्राम व धर्म युद्ध में युवाओं ने अपना धर्म निभाया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, आचार्य चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, शंकराचार्य आदि सभी ऋषि मुनि व अधिकांश क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं युवा ही थे। आज भी भारत माता संकट में है और टूटते टूटते अखंड भारत खंड खंड हो गया है और देश पर माफियों का अधिकांशतः राज कायम हो गया है। एक तरफ जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार व घोटालों का बोलबाला है, वहीं दूसरी तरफ देश की आम जनता महंगाई, बेरोजगारी व गरीबी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। देश व दुनिया के शीर्ष अर्थशास्त्रियों एवं GFI, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टैक्स जस्टिस नेटवर्क व वर्ल्ड बैंक आदि सभी संस्थाओं का मानना है कि देश का कम से कम 400 लाख करोड़ से 1000 लाख करोड़ काला धन के रूप में जमा है और अभी भी हर साल 10 लाख करोड़ रुपए बेईमान लोग लूट रहे हैं। इस धन पर 125 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक है। चंद बेईमान नेता, कुछ भ्रष्ट कॉरपोरेट्स व भ्रष्ट अधिकारियों ने सांठ गांठ करके ये धन लूटा है। ये सोचकर कितना अच्छा लगता है कि जिस दिन 125 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, उस दिन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी अधिक शक्तिशाली होगा तथा रुपए की कीमत डॉलर व पाउंड से अधिक होगी और काला धन वापस मिलने से एक एक गांव को 100 से 200 करोड़ व एक एक जिले को विकास के लिए 1-1 लाख करोड़ से अधिक धन मिलेगा। सबके लिए समान शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था होगी। कृषि, उद्योग एवं सेवा आदि हर क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी देश बनेगा। न तो देश में बेरोजगारी होगी, न ही गरीबी व महंगाई। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बाधा है वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था। इस भ्रष्ट व्यवस्था के विदाई के बिना देश की भलाई संभव नहीं। देश को इस भ्रष्ट व्यवस्था व लूट तंग से मुक्ति दिलाने के लिए तथा बेईमानों का राज खत्म करके भारत को आर्थिक व आध्यात्मिक दृष्टि से परम वैभवशाली बनाकर विश्व की महाशक्ति व विश्व गुरु बनाने के लिए हम देशभक्त जागरूक युवा भाई बहनों को भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत संगठन से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करते हैं।